हेलो क्यूटीज़, तो आज बनाते हैं कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट। तो मैंने क्या है ना, ये सर्च किया था तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी ये रेसिपी, तो मैंने सोचा आज लो अपन भी ट्राई करते हैं। तो फिर चलो लेट्स गो। तो मैंने ये कढ़ाई रखी थी गैस पे, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम हो गया था, उसके बाद राई जीरा डाल दिया था। तिल हो तो आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है वो, घर पे थी नहीं तो मैंने डाली नहीं। फिर थोड़ी सी हरी मिर्ची इसमें पटक दी थी मैंने, थोड़ी सी हरी मिर्ची सोटे होने के बाद इसमें आप थोड़ा पानी ऐड कर दो। अब इसमें थोड़ा लाल मिर्च और थोड़ा सा जितना भी नमक आप खाते हो उतना नमक अपने हिसाब से डाल सकते हो आप। मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और मैंने काली मिर्च थोड़ी सी कूट के रखी थी, फ्रेश कूटी थी, तो अब इसमें थोड़ी सी काली नमक और जाएगी, काली मिर्च और जाएगी, तो आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हो, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है ये। बाकी आप जो भी मसाला इसमें ऐड ऑन करना चाहो डाल सकते हो। मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया था इसमें, ये भी टोटली ऑप्शनल है। फिर इसको थोड़ा सा आप चलाओगे, स्टर करोगे, इसमें एक वॉयल आने तक के लिए चला लो आप इसको। फिर देखो अच्छे से वॉयल आ गया है। फिर मैंने इसमें सूजी ऐड की थी, जैसे ही मैंने सूजी ऐड की ना गाइस, ये अपने आप ही ऐसा थिक बैटर बन के रेडी हो गया। आप इसको थोड़ा सा चला लो ताकि इसमें बीच में ना वो गुठले जो बन जाते हैं ना वो नहीं बनने चाहिए। फिर मैंने ये प्लेट में निकाल लिया था। इसके बाद इसमें 3-4 आलू क्रश करके मैंने डाल दिए थे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, फिर ये हो गया था। फिर मैंने इसको फटाफट फटाफट से मैंने सोचा ये इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो मैंने इसको ऐसे रोल कर लिया था, ये देखिए सारे रोल। फिर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया था। उसके बाद तेल गरम होने के बाद मैंने सारी चीज़ें ये इसमें एक एक करके ऐड ऑन कर दी थी। फिर ये धीरे धीरे मैं जो कम गैस पर सेकने थे ये सारे, तो कम गैस पर मैंने ये सारे सेकने के लिए रख दिए थे। और मैंने सोचा कि बना ही रहे तो 3-4 तरीके से ट्राई कर लेते हैं यार एक ही चीज़ को, तो फिर मैंने ये उस तरीके से भी बना लिए थे। और मैंने ये छोटे छोटे जैसे पोटैटो बाइट्स होते हैं ना, तो मुझे लगा ये बाइट्स में भी मैं बना के रेडी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे ये फॉक की हेल्प से थोड़ी सी डिज़ाइन बना दी थी इसमें। ये भी क्या है, मैंने ऑनलाइन ही देखा था, उसी रेसिपी में उन्होंने बताया था, तो उस तरीके से वहीं से लेके। और ये देखिए गाइस, ये बन के इतने क्रंची थे ना यार। फिर मैंने इनको सारे को एक एक करके सेक लिया था सबको अच्छे से। फिर ये देखिए, ये बन के ऐसे रेडी हुए। ओके।